दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ एंड आई प्रोमिस यू दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें इंडिया में फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। हमें पता ही नहीं होता कि हम 18 साल के बाद, 18 साल होते ही हमें क्या क्या करना है लाइफ में, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस किस किस एज में कैसे कैसे लेने हैं। इसका क्या मतलब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी होती हैं एक अच्छे स्टेबल पोजिशन पर आने के लिए, टॉप 1% में आने के लिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं, देर आर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टफ। कोई कहता है सेविंग्स करो, कोई कहता है एफडीज कराओ, कोई कहता है गोल्ड खरीदो, कोई कहता है अपनी शादी के लिए सेविंग्स करनी स्टार्ट करो, क्रेडिट कार्ड ले लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में पैसा लगाओ, प्रोविडेंट फंड कराओ अपना। देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फाइनेंशियल डिसीजंस जो कि एक इंसान को अपनी लाइफ में लेने होते हैं 18 साल के होते ही। द थिंग इज, ये जो डिसीजंस है ना, ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, एक तो इसके बारे में आज तक हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, हमें पता ही नहीं कि हमें कौन कौन से डिसीजन अपने लाइफ में लेने हैं, और दूसरी बहुत बड़ी बात कि कब लेने हैं। एक 18 साल का बच्चा जब 17 से 18 का होगा, उसको इमीडिएटली क्या करना है अपनी लाइफ में, 19 के बाद क्या करना है, 20 पर क्या करना है, 21 पे क्या करना है, 30 पर क्या करना है, 40 पर क्या करना है। ये एक वीडियो, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स रहने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी एक सीरीज बनेगी। इस वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस एज वेल एज द स्मॉल फाइनेंशियल डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक, एंड आई हैव ब्रोकन डाउन दिस वीडियो एज पर योर एज। का मतलब, अगर 18 साल के हो तो इमीडिएटली आपको क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, फिर जब आप 20 के हो जाओगे तब आपको क्या करना है, एंड एज यू ग्रो ओल्डर आपको क्या क्या डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं ताकि आप एक अच्छी लाइफ, एक बेस्ट लाइफ जी सको, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप 18 से 40 ईयर्स ऑफ एज की कैटेगरी में आते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, ये फालतू की वीडियो नहीं होगी, मजाक नहीं होगा, दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू डिलीवर अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योर लाइफ। प्लीज़ कोई एंटरटेनमेंट के पॉइंट से मत देखना, अगर सीखना है, अगर लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, डेफिनेटली दिस वीडियो, दिस एंटायर सीरीज ऑफ आई डोंट नो 5, 7, 10 वीडियोस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू एन एक्सटेंट इन योर लाइफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज इसके बहुत सारे पार्ट्स रहने वाले हैं, बहुत बड़ी वीडियो जाने वाली है, इसका ये वाला जो रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम कुछ डिसीजंस कवर करेंगे, एंड ऐसे ही इस चैनल पर आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कॉन्टिन्यूएशन में देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ डेज में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जब जब अगले पार्ट्स आए तो आपको पता चलते जाए, आपके एज के हिसाब से वो जो रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके एज के हिसाब से कवर अप होते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस मेजर केस स्टडी, दिस मेजर लाइफ टर्निंग वीडियो विद समवन जो बेसिकली अभी 18 साल का हुआ है। एक ऐसा बच्चा जो अभी 17 से 18 की एज में आया है, अभी लीगल एज में आया है इंडिया के लॉस के हिसाब से, उसको इमीडिएटली सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है, क्या फाइनेंशियल डिसीजन लेना है आगे सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए। डिसीजन नंबर 1, पैन कार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से, इंडिया के लॉस के हिसाब से, इंडिया के बैंकिंग लॉस के हिसाब से, फाइनेंस लॉस के हिसाब से, अगर आपको इंडिया में कुछ भी करना है, आपको अपना एक बैंक अकाउंट ही क्यों नहीं खुलवाना है, द मेन थिंग दैट यू नीड इज बेसिकली योर पैन नंबर विच कम्स अलॉन्ग विद योर पैन कार्ड। सबसे पहले आपको 18 साल के होते ही पैन कार्ड अप्लाई करना है बिफोर एनीथिंग। ड्राइविंग लाइसेंस बनता जाएगा, दैट इज नॉट अर्जेंट, वो आपकी फाइनेंशियल उसमें काम नहीं आएगा, फाइनेंशियल जर्नी में काम नहीं आएगा, बट पैन कार्ड सबसे मेन चीज है जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में और आने वाले सारे डिसीजंस में आपके लिए काम आएगी। इमीडिएटली आप किसी आसपास के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं जो ये काम कराते हैं, नहीं तो आप खुद भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 15 डेज टू 1 मंथ जब तक आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपके घर पर आपका पैन कार्ड डिलीवर होगा। बाय गेटिंग दैट पैन नंबर यू बेसिकली आर अ रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन टू टेक ऑल द मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस दैट आर गोइंग टू फॉलो अप इन योर लाइफ। तो 18 साल के हो गए हो, सबसे पहले अपना पैन कार्ड अगर नहीं बनवाया है तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनवाओ, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे की पूरी लाइफ आपकी, पूरे फाइनेंशियल डिसीजंस आपके टिके हुए हैं। डिसीजन नंबर 2, सेविंग्स अकाउंट।
सर मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बच्चा हूं, सर जॉब लगने दो तब खुलवा लूंगा। सर ऐसा बात ही नहीं है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू गो विद दैट, एंड आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट एज वेल। सबसे पहली बात, अगर 18 साल के हो गए हो और पैन कार्ड बन गया है, राइट, द फर्स्ट डिसीजन, तो सेकेंड डिसीजन अब आपको करना है कि आपको अपना बैंक में जाकर एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। और आजकल तो वैसे भी देर आर सो मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसके तहत, जनधन योजना फॉर एग्जाम्पल, जिसके तहत आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है। आपको अगर इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, आप सेविंग्स करो, आप 6 महीने का टाइम लेकर थोड़ा सा पैसा जोड़ो, 1,000-2,000 रुपये जोड़ो, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 1,000-2,000 रुपीज मतलब एक्यूमुलेट करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सो प्लीज स्टार्ट सेविंग सम मनी, 1,000-2,000 रुपीज काफी है एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। किसी एक अच्छे बैंक में जाओ, पास के बैंक में जाओ, और वहां पर अपना एक पैन कार्ड को दिखाकर, आधार कार्ड को दिखाकर, विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। Why did I say? लॉजिक क्या है सर? हर चीज लॉजिक बैक्ड है, कोई मजाक नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, सारा वैल्यू है। सर लॉजिक ये है कि बैंक का, अब इसके बाद के जो सारे के सारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस है, राइट, कल को होम लोन की भी बात आएगी यहां पर मेरी सीरीज में, कल को इंश्योरेंस की बात आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी, क्रेडिट कार्ड की बात आएगी, FD की बात आएगी, गोल्ड की बात आएगी, इन्वेस्टिंग की बात आएगी, स्टॉक मार्केट की बात आएगी, एवरी पॉइंट ऑफ थिंग दैट आई जस्ट मैंशन, राइट, ऑल ऑफ दोज कीवर्ड्स दैट आई जस्ट सेड आर लिंक्ड टू योर सेविंग्स अकाउंट। अगर सेविंग्स अकाउंट नहीं होगा ना, तो आपको इन सब में से कुछ करने का अलाउवेंस ही नहीं मिला हुआ इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से। सबसे पहली चीज, जाकर अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, कम से कम पैसे के साथ चलेगा। इसमें एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब कल को लोन्स की बारी आएगी, कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, कोई फाइनेंसिंग करवाना है, क्रेडिट कार्ड आपको लेना है, वहां पर भी ये देखा जाता है, एक पॉइंट बहुत बड़ा कंसीडर होता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है कि नहीं है, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है। और इसमें आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा कि क्या रहेगा, सेविंग्स अकाउंट इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट, जहां से आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक्चुअली किक इन होगी, आप इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में एंटर कर जाओगे अपने एक सेविंग्स अकाउंट के साथ। नाउ हियर इज अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर यू गाइस, इस टाइम पर इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में भी देर आर लॉट ऑफ बैंक्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, राइट। जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे, एक ऐसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना जो आपको बहुत हाई रिटर्न्स ऑफर कर रहा है आपके सेविंग्स अकाउंट पर। देर आर बैंक्स जो कि अप टू 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो भी। तो अगर आप गूगल पे जाके रिसर्च करो, फॉर एग्जांपल बंधन बैंक मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, यहां पर दिस बैंक इज वन ऑफ दोज बैंक्स जो कि आपको सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखने पर ही बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, राइट, बहुत सारा हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है और एक ऐसा अकाउंट खुलवाना है जो कि आपको काफी बड़ा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, ताकि कुछ भी नहीं है तो कम से कम 100 रुपए तो आएंगे साल के, पैसिव इनकम स्टार्ट तो हुई, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का। डिसीजन नंबर 2, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है आपको एट द एज ऑफ 18 as early as possible after getting your PAN card. Decision number 3 for a 18-year-old. Yes, ये 18-19 की एज में हो जाना चाहिए, और इस बात पर शायद से बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, बट नहीं, आई हैव अप्लाइड दिस इन माई लाइफ, ये चीज मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल साबित हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो इट इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको बेसिकली एट द एज ऑफ 18-19 अप्लाई करना है एक क्रेडिट कार्ड के लिए। सर क्रेडिट इतनी अर्ली एज में, अभी तो कमाई भी शुरू नहीं हुई। लॉजिक तो सुनो, लॉजिक ये है कि कल को जब आप बड़ी फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे, कल को होम लोन्स भी लेने हैं, कार लोन के तरफ भी जाना है, ऑल दोज मेजर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। और क्रेडिट स्कोर जितनी जल्दी अर्ली एज में बनाना स्टार्ट करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अपनी लाइफ में आगे जाकर। क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है और क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक ऐसा स्कोर होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि आपके ऊपर क्या बैंक्स, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने जब बैंक से कल को उधार लिया, तो क्या आपने उधार चुकाया, क्या टाइमली चुकाया, कभी आपने उधार की डेट्स मिस करी, अपनी ड्यू डेट्स मिस करी, एवरीथिंग। योर क्रेडिट हेल्थ इज बेसिकली डिनोटेड बाय योर क्रेडिट स्कोर, बाय योर बाय द सिबिल स्कोर, विच वी कॉल एज क्रेडिट वर्दीनेस, कि आप कितने वर्दी हो उधार के।
अब सर यहाँ पर बात ये आती है कि 18 साल के बच्चे को क्रेडिट कार्ड देगा कौन, क्योंकि बैंक के पास जाओगे तो बैंक तो बोलेगा कि भाई साहब इनकम डॉक्यूमेंट शो करो, कितना कमाते हो, मैं तो कमाई के ऊपर क्रेडिट कार्ड दूंगा। तो सर आपका भाई बैठा है यहाँ पर आपको हैक देने के लिए। हैक ये है, थोड़ा सा मुश्किल हैक है, लेकिन लाइफ को बहुत सक्सेसफुल लीड करना है आने वाले 5-10 सालों के अंदर, टर्न अराउंड करना है, डिसीजंस अच्छे अच्छे लेने हैं, तो ये बात मानो मेरी। हैक ये है क्रेडिट कार्ड लेने का एक 18 ईयर्स की एज में, कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD। करना क्या है, करना ये है साल भर का टाइम ले लो अगर पॉकेट मनी कम है तो, अगर कमा नहीं रहे हो, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो ठीक है टाइम ले लो, 19 की एज में कर लेना। करना क्या है, एक्यूम्यूलेट 5000 रुपीज काफ़ी है, और इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, तो यू आर वेल ऑफ टू डू, आप 5000 रुपीज़ का एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर। कुछ लोग शायद से जल्दी कर लें, कुछ लोग शायद से देर से करें, बट एक्यूम्यूलेट 5000 रुपीज़ ओवर अ पीरियड, आपके जो सूटेबल लगता है उतना पीरियड, बैंक में जाओ और बैंक में जाकर ये बोलो कि मुझे 5000 रुपये की FD करवानी है। पहला बेनिफिट क्या हुआ, FD कराते ही आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पैसिव इनकम बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। जो कहते हैं ना YouTube पर बड़ी बड़ी बातें कि पैसिव इनकम, सर यही तो है पैसिव इनकम। आपने 5000 रुपए की वेल्थ इकट्ठा करी और उसको बैंक में जाकर FD में डाल दिया। FD में जब डालोगे तो 8% तक पर एनम का ब्याज आना शुरू होगा उस 5000 रुपए पर। का मतलब ये सेविंग्स अकाउंट में जो 1000-2000 रुपए पड़े हैं वो अलग पड़े हैं, उस पर भी ब्याज आ रहा है, और ये जो FD कराई अभी इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, बैंक को बोलो कि अब क्योंकि मेरी 5000 रुपीज की FD है ना, तो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए अगेंस्ट दिस FD। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD। का मतलब ये हो गया, क्रेडिट कार्ड्स दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 कि मैं आपकी इनकम के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा हूं, आप अगर 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो मैं आपको आपकी इनकम के ऊपर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इशू करूंगा। देयर सम सेकंड थिंग एज वेल जो कि लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD। क्या होता है, कुछ नहीं होता, FD करानी होती है, बैंक उस FD को एज अ सिक्योरिटी मान के आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है, और उसकी लिमिट FD से थोड़ी सी कम होती है। 5000 रुपए क्रेडिट कार्ड अगर आपको, मतलब 5000 रुपए की अगर आपको FD मिली है, अगर आपने FD कराई है, तो 4000 रुपए तक की लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड की मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3, आपने FD करा दी 5000 रुपीज की, इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास, आना शुरू हो जाएगा, आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड मिल गया। गूगल पे जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से बैंक से जो क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD देते हैं, और उन्हीं बैंक्स में FD करानी है, एज सिंपल एज दैट। और क्रेडिट कार्ड 18 साल की एज में हाथ में आ गया। स्टेप 3, इस क्रेडिट कार्ड से छोटे मोटे परचेजेस करो, जरूरी परचेजेस, हेडफोन्स खरीदने हैं, कैश में मत खरीदो। सर उधार में डाल रहे हो, डेट में डाल रहे हो, लॉजिक है सर, लॉजिक है, और बहुत बड़ा लॉजिक है। क्रेडिट कार्ड से छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस, 1000 रुपये का एक परचेज कर लो, और उस 1000 रुपये के परचेज को करके कुछ नहीं करना, अपनी ऐप पे जाकर उस 1000 रुपये को EMI में कन्वर्ट कर देना है। सर उससे तो बहुत सारा इंटरेस्ट भी लगेगा। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो देखो, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करो। 18 साल की एज में इंडिया में किसका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है, लोगों का ऑन एन एवरेज क्रेडिट स्कोर इंडिया में 21-23 साल में बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में सारे फाइनेंशियल डिसीजंस रिजेक्ट हो जाते हैं, लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, फाइनेंसिंग रिजेक्ट हो जाती है। 18 साल की एज में क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट, बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया, 1000 रुपीज तक की परचेज करो, उसको EMI में कन्वर्ट करा लो, और EMIs टाइम पे करो। आपकी जैसे जैसे EMI टाइमली पे होगी, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर बिल्ड होने का मतलब पता है क्या है, 1 साल के बाद, अभी तो कमाई भी नहीं करी, जॉब भी नहीं लगी, 1 साल के बाद सारे बैंक्स फाइनेंसिंग ऑफर्स शुरू कर देंगे। बाइक खरीदनी है, हम लोन दे रहे हैं, कार खरीदना है, हम लोन दे रहे हैं, कल को घर खरीदना है, हम बैठे बिठाए लोन दे रहे हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ ग्रेट क्रेडिट स्कोर। दैट इज वाई आई टोल्ड दिस हैक, कि 18 साल की एज में आपको बैंक में जाकर FD करवानी है, FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है, छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है, और मंथली टाइमली पे आउट करना है, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर फाइनेंशियल जर्नी अहेड। इस वीडियो में मैंने आपको 18 से 19 तक की एज के 3 मेजर डिसीजंस कवर करे हैं।
आपको इसके बाद के जो डिसीजंस हैं वो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जाने वाली है। इसलिए प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में बहुत सारी वैल्यू मैं डिलीवर करने वाला हूं, एक मतलब इतनी वैल्यू कि जो किसी को पता ही, बहुत यूट्यूब पे बहुत सारा बिखरा हुआ कॉन्टेंट है वो सारा का सारा मैंने इस पूरी की पूरी सीरीज में समअप करा है कि कैसे 18 से 40 तक की एज के जितने डिसीजंस हैं आप उसको बेस्ट तरीके से ले सकते हो अपनी लाइफ में। इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू कैन। आपकी साइड से बस एक लाइक होगा लेकिन ये वीडियो यूट्यूब और बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करेगा और उनकी लाइफ भी ऐसे ही बदल पाएगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू नजर आई, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मजाक नहीं है, इट्स प्योर वैल्यू, प्योर एजुकेशन। डू लेट मी नो योर इनसाइट्स, अगर आपको कुछ इनपुट देना है, कोई वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी इनसाइट्स है मुझे कॉमेंट में डाल के बताओ, अच्छा है बुरा है, आई टेक इट एज अ फीडबैक। लेट मी नो योर रिव्यूज अबाउट दिस केस। इसका सेकेंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस वॉज शौर्य कौशिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।